तो फाइनली दोस्तों आपका भाई आपके लिए का न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो यूट्यूब चैनल होते हैं वो सर्च में कैसे लाते हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा पर मैंने भी बता दिया है। तो दोस्तों करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश मीणा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके टेक में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता, चैनल सर्च में तभी आता है जब हम सर्चिंग कीवर्ड्स डालते हैं। चैनल सर्च में आता है अपनी वीडियो चल जाती है, व्यूज आने लग जाते हैं। अगर चैनल सर्च में नहीं आता है तो व्यूज नहीं आते हैं। दोस्तों कई भाइयों की ये कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, तो ब्रो सर्च में कैसे लाए, ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो मैंने आज फाइनली वीडियो बनाई दी है। तो जो भाई भी कमेंट किया था वो वापस कमेंट करके थैंक्स तो बोल दो यार। तो चलते हैं करते वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको अच्छे समझाने के लिए चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है studio.youtube.com। जैसे कि मैंने ये पहले से सर्च किया हुआ है तो मैं आपको इस पर क्लिक कर देता हूँ। studio.youtube.com सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो वाइट स्टूडियो ये वाला ऑप्शन है यूट्यूब स्टूडियो, उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे हमारा ये वाइट स्टूडियो है वो क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, जैसे कि ये ओपन थोड़ा बहुत लोड हो रहा है। ये स्टूडियो youtube.com से यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो जैसे कि ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे ये देख सकते हो मेरी वीडियो सब आ गई। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इधर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये नीचे देख सकते हो इधर साइड ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैनल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। और चैनल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे देख सकते कीवर्ड दिख रहे होंगे, कीवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने पहले से डाले हुए ये सब मैं डालता हूँ, इस वजह से मेरा चैनल सर्चिंग में आता है। तो जैसे कि मैं एक और डाल देता हूँ, जैसे कि मिस्टर डीके टेक वीडियो, जैसे कि देख सकते हो। अभी ऐसे कीवर्ड डालोगे तभी आपका चैनल सर्च में आएगा। तो ये कीवर्ड डालने के बाद इसी कीवर्ड को आप जैसे कि सर्च करोगे तो यहाँ से जैसे कि इसको तुम्हें साइड में सेव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको कर देता हूँ सेव। और यहाँ से हो जाता हूँ बैक, ये सेव हो चुकी है हमारी वीडियो, तो यहाँ से हो जाता हूँ बैक। अब आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों जैसे कि मैं यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ, अब दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है जो मैं वहाँ पर सर्च किया था, जैसे कि मिस्टर डीके टेक वीडियो। तो ये मैंने वहाँ पे वो डाला था। तो ये देख सकते हो मेरा चैनल सर्चिंग में आ गया। ऐसे कुछ चैनल सर्चिंग में आता है, देख सकते हो जो आपने वहाँ पे टैग डाला है उसी को आपको यहाँ पे सर्च करके एक दो बार चैनल से देख लेना है, अलग अलग चैनलों से देख लेना है, तो उससे आपके चैनल सर्च में आ जाएगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये आज सर्चने वाला टॉपिक आई होप कि दोस्तों आपको आज के वीडियो पसंद आएगा। आई होप कि दोस्तों आपको जो सर्च वाला टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगर ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की मजेदार एंड इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इस चैनल पर इसी तरह की मिनागी से रिलेटेड एंड यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। एक कमेंट करके जरूर बता देना आपकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।